ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। आवाज़ जा रही है सब लोगों को? क्लियर? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा या नहीं हो रहा। सर कभी अपना फोटो भी शेयर कर दीजिए। यस। फोटो शेयर नहीं करूँगा ना। नहीं हम भी नहीं हमें भी तो पता चले सर कि मतलब अगर हमें भी मिल जाए तो पहचान ले आपको। सर मैं आपको भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि एक फोटो तो भेज दीजिए। अरे डोंट वरी हमारा फोटो सर। आपकी एज क्या है सर? आपकी भेज दीजिए सर, सब लोग बोल रहे थे पर भेज दीजिए। आप तक एज क्या है सर? एज एज ये बताओ, आपको फोटो देखना है, मेरी एज जानना है, या जो मैं बता रहा हूँ वो जानना है? सर सर एक बात, जिसने हमारी लाइफ चेंज की ना सर, एक बार उसको देखना तो चाहिए ना सर। इमेजिन तो नहीं कर सकते कि कैसे। आपने कभी भगवान को देखा है? लेकिन काम तो करते हैं ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बात आपकी 101% करेक्ट है, बट इस सब चीज का एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं अपना पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बताऊंगा। बट हाँ 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 मैं समझ सकता हूँ सर, आपने उसको तो किया, लेकिन आपकी उम्र बता सकते हैं? उम्र एज एज मैं दिल्ली गया था इनसे मिलने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा दूर थे इसलिए मैं मिल नहीं पाया आपको। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं चेन्नई से हूँ। मैं दिल्ली गया था शादी में, राजस्थान गया, वापस दिल्ली आया, से मुलाकात करूंगा, बट ही वाज लिटिल अवे फ्रॉम देयर आई वाज स्टेइंग, इट वाज बैड लक सर। जब प्लीज रिवर करेंगे तो एक एक अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे और सर, और जैसे सर इसके पर कुछ ये मतलब मिलियन में फॉलोअर हो जाएंगे तब शायद सर अपना फेस दिखाएंगे। टेंशन मत लो भाई, सब कुछ दिखाऊंगा यार, चिल मारो अभी। सर एक बार उम्र तो बताओ सर, उम्र बता दें क्या दिक्कत है? अरे ये मतलब हमें भी तो पता चले कि हम ही लेट एंट्री किए हैं, ये ये मतलब शेयर मार्केट में या फिर हमसे भी पहले कोई कर चुका है। अपना आधार कार्ड भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो। उसके अंदर आपका फोटो भी होगा, हमें फोटो नहीं खाली उम्र बता दीजिए। अरे चलो, मैं उसमें फोटो भी होगा और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी होगा, दोनों देख लेना ठीक है। आधार कार्ड में बच्चे का फोटो होगा तो कैसे समझेंगे? और वैसे भी सर एकदम रियल में और आधार कार्ड के फोटो में वो एकदम सामने पहचान में नहीं आएगा बंदा कि ये आधार कार्ड का कोई ये मतलब पर्सन है वो। जैसे अगर हीरोइन को देखोगे तो आधार कार्ड बहुत अलग रहता हो। आधार कार्ड मत शेयर करिए। देखो आधार कार्ड में तो बच्चे वाला फोटो ही है, वही देखना अभी। चलो ठीक है सर, चलो ठीक है सर, देख लेंगे वो भी चल जाएगा सर। ओके, अगर आपने अपने बचपन की भी फोटो दिखा दी तो भी बात बन जाएगी। इमेजिन करने से अच्छा है कि एक तो आपका ये मत क्राइटेरिया हमारे सामने आएगा कि हाँ अर्ज भाई ऐसे दिखते हैं जिन्होंने हमें स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम सही नॉलेज दिया। चलो ठीक है, भेज दूंगा। आप लोग गेस करते रहो, आपको जब पता चलेगा फिर समझ में आएगा ठीक है। सर सर आई एम एग्जैक्टली 60 इयर्स टुडे, आई मीन 60 इयर्स सर। ये बात मैं कब से ही बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या है कोई कुछ बोले तो बोलूं या पहले ही सबने बोल दिया। सर को ट्राई कर रहा हूँ सर, मेरे को तो व्हाट्सएप पे पर्सनल फोटो भेज दीजिए सर, बता ही नहीं रहे। अरे चलो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी फोटोज वगैरह मैं अभी यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ पर्सनल रीज़न है। ऐसा मेरा ये नहीं है कि नहीं मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा भी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं कोई भी अपना फेस वगैरह नहीं दिखाता हूँ, बट दिखाऊंगा जरूर, थोड़ा आने दो टाइम उसका करेक्ट उसके बाद ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है यार, फेस देखना तो है ही यार। अब फेस थोड़ा सा मैं अभी चाह रहा हूँ कि जब सब कुछ थोड़ा सही हो जाए ना, उसके बाद हम लोग फेस रिवील करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू फेस दिखाकर ही वीडियो बनाऊंगा डेली बेसिस पे ठीक है। बट अभी थोड़ा पर्सनल रीज़न है, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाता हूँ ठीक है, उसका आप लोग चिल करो ठीक है। काफ़ी हो गया ये सब चीज़ें, अभी हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जैसा ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा कल, मीन्स कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस बैच का,
फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे उसके बारे में आप लोगों को बाद में बता दूंगा। बट कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। सारे टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी सिखा दिया हूँ। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। फिबोनाची के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, हार्मोनिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। हम लोगों ने कौन कौन से पैटर्न को सीखा था एक बार मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। हम लोगों ने बैट पैटर्न सीख लिया, गाटली पैटर्न सीख लिया, साइफर पैटर्न, क्रैप पैटर्न, डीप क्रैप पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया कि कैसे इसको एग्जैक्टली चार्ट पे लगाना होता है। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बटरफ्लाई पैटर्न, कि सीखेंगे बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है, कैसे चार्ट पे बटरफ्लाई पैटर्न को लगाया जाता है और कैसे हम लोग इसके टारगेट को जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उसको समझेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा और शार्क पैटर्न कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, उसके बाद ये बैच हमारा सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है, उसको किस तरीके से चार्ट पे बनाना होता है। ओके, तो एक बार आप लोग बता दो सारी चीज़ें अभी तक आप लोगों को क्लियर है जो भी चीज़ें मैंने इस बैच में पढ़ाया है? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट बटरफ्लाई पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सटेंशन का यूज़ होगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बस एक स्टेप जो है ना एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि जैसे हम लोगों ने साइफर पैटर्न में सीखा था ना एक्सटेंशन के बारे में, तो सेम एक्सटेंशन यहाँ भी यूज़ होता है। इसमें क्लास में हमारे एक थे, उनका नाम था दौड़पन जी करके, क्या नाम था उनका, वो क्लास में नहीं है क्या, एक मिनट, जिनकी छोटी सी बेटी थी जो क्लास अटेंड कर रही थी, उन्होंने बोला था कि मेरे को एक्सटेंशन सीखना है। एक बार मैं परमिशन दे रहा हूँ, वो क्लास में है क्या, किसी को याद है कौन थे वो? हाँ सर, वो मेरी बेटी थी, वो बाहर गई है अभी। अच्छा, आपकी ही बेटी थी, तो उनको एक्सटेंशन आपने सिखाया? नहीं, अभी तो उसको 3 पैटर्न ही उसने पढ़े है, बाकी है, तो अगले क्लास में भी वो आपका अटेंड करेंगी ना। ओके, न्यू बैच में साइड वीकेंड में मैं है ना, उसको ये लर्निंग कर रहा था, उसको एक बार तो ये स्टॉक मार्केट का जो क्लास है ना, कैंडलस्टिक, एक्सटेंशन, फिबोनाची, वो सब मैं सीखा था, उसको 2 पैटर्न तो आती है। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग स्क्रीन क्यों नहीं आ रही सामने, इस फ्रंट पर आ ही नहीं रही है, कौन से स्क्रीन, लैपटॉप में ओपन कर सर, जो आप पढ़ा रहे हैं लैपटॉप में खोल के, ये तो इस फ्रंट पर आ ही नहीं रहा है स्क्रीन पे, अभी दिख रहा है कुछ भी क्या लिखा हुआ सर, खाली लोगों को वो आ रहे हैं स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों का, हो रहा है सर, सब कुछ क्लियर है सर, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर MI खान, आप एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको सारी चीजें दिखेगी। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ठीक है, ओके ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा हार्मोनिक का पैटर्न है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बटरफ्लाई पैटर्न, तो कोई भी पैटर्न को लगाने से पहले सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, उस पैटर्न का रूल होना चाहिए। देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, उनको PDF चाहिए, आज 100% मैं कह रहा हूँ जिनको भी PDF की ज़रूरत है मेरे को मैसेज कर देना, न्यू वाला दे दूंगा, मतलब ये जो हमारा है ना, ये हमारा पुराना है, ये हमारा लेटेस्ट है, जो करेक्ट वाला PDF है ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, मैसेज में जितने भी पेंडिंग है ना सबके व्हाट्सअप पे आज ये चला जाएगा, तो टेंशन मत लो। ओके, पहले हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न को सीख लेते हैं। हम देखो यहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हुए हैं। अब रूल्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक इम्पल्स लेग होना चाहिए। ठीक है, इम्पल्स लेग तो सारे में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं XA, ये हम लोगों को पता है। उसके बाद हमारे पास होने चाहिए AB, कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए XA का, ये भी हमारे को पता है कि ये हमारा एक रूल्स है। उसके बाद हमारा होता है BC कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ये हमारा BC का रूल है। और CD हमारा 1.27 से लेकर 1.61 होना चाहिए AB का। अब यहाँ पे AB का एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा बस ट्रिक आता है कि यहाँ पे क्या होता है, AB का ये एक्सटेंशन होना चाहिए। अब इसको कैसे चार्ट पे लगाएंगे, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट पे लगाएंगे और हम लोग समझेंगे इसको किस तरीके से
ड्रॉ करना है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में लगाने से आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो मैं अभी आप लोगों को यूरो यूएसडी के चार्ट पे दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे भी देखो बटरफ्लाई पैटर्न कैसे काम करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो बटरफ्लाई पैटर्न को लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग को क्या बोलते हैं, एक्स ए, क्लियर है। इम्पल्स लेग को क्या बोलते हैं, एक्स ए बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इम्पल्स लेग कंसिडर करते हैं। ये जो हमारा है ना इम्पल्स लेग है, ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्स लेग क्लियर हो गया। जैसे ये हमारा इम्पल्स लेग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो इम्पल्स लेग है उसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एक्स ए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक्स ए हुआ। और जो हमारा इम्पल्स लेग होगा उसके बाद ऊपर की साइड क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा क्या हुआ, एक्स ए हुआ, ठीक। उसके बाद ये हमारा बनेगा ए बी, उसके बाद ये हमारा बी सी, फिर ये हमारा क्या बनेगा, सी डी बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये चेक करें कि ये जो लेबल है जो हमारे रूल में बोल रहा वहाँ से रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, ये जो हमारा लेबल है जो रूल में बोल रहा वहाँ से रिवर्स हुआ है या फिर नहीं हुआ। फिर हम लोग ये चेक करें कि यहाँ पे हमारा पी आर जेड जोन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे मैनुअली पहले लगा कर ड्रॉ करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले इम्पल्स लेग, तो जो आपका इम्पल्स लेग है ना उसके हाई एंड लो को मार्क करो ताकि पैटर्न लगाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा हाई है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और जो इसका लो है हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने हाई एंड लो को मार्क कर लिया, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ये हमारा एक्स ए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारा एक्स का लेवल है, ओके। ये हमारा एक्स है, उसके बाद नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा होगा ए। तो एक्स ए कम्प्लीट हो गया सक्सेसफुली, एक्स ए हमारा सक्सेसफुली कम्प्लीट। उसके बाद ऊपर की साइड क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रूल देखेंगे कि ए बी कितना होना चाहिए। अभी रूल पढ़ो, ए बी कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का, ओके। तो अभी हमारा एक्स ए क्या है, ये एक्स है। इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ए बी, वो होना चाहिए एक्स ए। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हुआ नीचे की साइड का। अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको 78 का लेवल नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 0.78 का जो लेवल है उसको हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक। हम लोगों ने यहाँ से ऑन किया। अभी देखो आप चार्ट को ध्यान से देखो, इम्पल्स लेग, ये इसका रिट्रेसमेंट लेग, यहाँ पे जो ये वाला लाइन आपको दिख रहा है ये एक्जैक्टली 78 का लेवल है, 0.786 का, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड रिवर्स हो गया। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को टच करके नीचे की साइड आया। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि बटरफ्लाई पैटर्न का जो दूसरा रूल है जो कि ए बी होने वाला है, ये पैटर्न के रूल के हिसाब से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बटरफ्लाई पैटर्न के दूसरे रूल को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा लेग हुआ, ये हमारा हुआ बी, मतलब ए बी। ए बी कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। अभी हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के भी चेक किया था कि ये एग्जैक्टली कितना था, 78% था, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग चेक करेंगे बी सी। अब बी सी कितना बोलता है, बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, ठीक है, किसका, ए बी का, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग ए बी देखेंगे, ये हमारा ए बी है, ओके। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि ए बी का जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट होगा वो बी सी होगा और वो होना कितना चाहिए, वो कहता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 38 के लेवल को ऑन करते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट बीच के फालतू लेवल्स है ना उसको मैं क्या करता हूँ अभी 2 सेकंड के लिए ऑफ कर देता हूँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक ये येलो वाला लेवल 38 का और ये 88 का। तो जब हमारा एक्स ए कंप्लीट हो जाएगा, ए बी कंप्लीट हो जाएगा, नीचे की साइड जो बी सी बनेगा ना वो ये येलो वाला मीन्स 38 के लेवल से लेकर ये जो हमारा 88 का लेवल है इसके बीच से कहीं से भी रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा, ये पैटर्न हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ये 38 मिनिमम टच होना चाहिए और मैक्सिमम 88 टच होना चाहिए, इसके बीच में से कहीं से भी चला जाए हमारा ये बटरफ्लाई पैटर्न का तीसरा रूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या बोलते हैं, जो कि हमारा बी सी होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया अपन लोगों को कि यहाँ पे जो हमारा बी सी है ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा रूल था उसके हिसाब से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे कि ये हमारा बी सी हो गया है, ठीक। ये हमारा बी सी क्या हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट, अभी हम लोग क्या करेंगे, सी डी बनाएंगे ऊपर की साइड का। तो सी डी कितना होना चाहिए, रूल देखो, अब यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए क्लास में, इस लाइन को ध्यान से समझना। सी डी क्या बोलते हैं, सी डी बोलते हैं 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, ए बी का। अभी चार्ट पे देखो ए बी कौन सा है, ये हमारा है ए बी ना।
अगर अपन लोग इसमें फिबोनाची लगाएंगे तो इसका रिट्रेसमेंट किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा, जो कि हमारा बीसी ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगेन यहाँ पे ए बी क्यों बोला, देखो इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, तो मतलब सी डी जो होना चाहिए ना वो 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, ए बी का एक्सटेंशन, नॉट रिट्रेसमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, सी डी जो होना चाहिए वो 1.27 से लेकर 1.618 एक्सटेंशन होना चाहिए ए बी का, ठीक है, ए बी का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो अभी हम लोग ए बी में क्या करेंगे, एक्सटेंशन लगाएंगे, रिट्रेसमेंट नहीं लगाएंगे। और एक्सटेंशन लगाने का क्या तरीका है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया। अगर ए बी में बोल रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक में ले जाएंगे, करेक्ट है, और वापस इसको ड्रैग करके कहाँ लाएंगे, ए तक लाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी सिखाया था। तो जो नीचे ए वाला लाइन है हम लोग क्या करते हैं वहां पे ले आते हैं, और जो 1.618 का लेवल आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1.61 के लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, देखो 1.618 है, मैंने एग्जैक्टली उस लेवल को मार्क किया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन को डिलीट करते हैं, तो जो हमारा 1.618 का लेवल आएगा ए बी का, वो हमारा होगा रिवर्सल पॉइंट, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, रिवर्सल पॉइंट, जहाँ पे हमारा डी का लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डी लिखते हैं। और ये डी लेवल हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, ए बी का एक्सटेंशन 1.618 ही होना चाहिए, ए बी का एक्सटेंशन 1.618 ही होना चाहिए, 1.27 नहीं होगा, 1.27 हमारा रिट्रेसमेंट होगा एक्स ए का, और वो दोनों लेवल एक ही जगह मैच करेगा। कैसे मैच करेगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, एक्स ए में रिट्रेसमेंट लगाऊंगा। तो अगर आपको एक्सटेंशन समझ में नहीं आ रहा, आप सिर्फ रिट्रेसमेंट से भी काम चला सकते हो, और जहाँ पे 1.27 का लेवल आएगा ना आप उसको मार्क कर दो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करते हैं, और मैंने यहाँ पे फिबोनाची को डिलीट किया। तो ये जो यहाँ पे छोटा सा जोन बना इसी को कहते हैं पीआरजेड जोन। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी जोन मार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होगा, जहाँ पे 1.27 का लेवल आएगा एग्जैक्टली उसी जगह पे ए बी का एक्सटेंशन के हिसाब से 1.618 का लेवल आएगा, और ये दोनों लेवल हमेशा मैच कर जाएगा एक ही जगह पे। और जहाँ पे मैच कर गया वहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री करना होता है, रिवर्सल ट्रेड एंट्री करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को आप लोग, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना हो। देखो पूरा चार्ट मैं डिलीट कर दिया, अभी ध्यान से समझो, अभी मैं डायरेक्टली आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट टूल लगाकर आप लोगों को समझाऊंगा। ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, ए बी कितना होना चाहिए 78% होना चाहिए, 78 था। ये हमारा क्या है, बी सी है, बी सी के बाद हमारा ये क्या होगा, ये हमारा सी डी होगा, सी डी कितना होना चाहिए वो हम लोगों को रूल में ऑलरेडी पता है कि या तो ए बी का एक्सटेंशन हो यहाँ पे क्या 1.618 का लेवल, या नहीं तो एक्स ए का रिट्रेसमेंट हो 1.27 का लेवल, और जो लेवल जहां पे मैच कर गया वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स ए बी सी डी का जो हमें टूल मिलता है उसको हम लोग यहां से सेलेक्ट करते हैं और लगाते हैं। ये हमें एक्स ए बी सी डी पैटर्न का आया, इसको हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा एक्स का लेवल है वहां पे हम लोग एक्स करते हैं, ये हमारा ए का लेवल है यहाँ पे हम लोग ए करेंगे, और ये हमारा कितना होना चाहिए 78, इसको मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ 78 पर रखता हूँ। देखो यहाँ पे आपको 78 दिख गया, और बी सी नीचे की साइड कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 लेवल्स याद होने चाहिए, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 1.27 का लेवल। तो इसको मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ 1.3 के पास रखा हूँ, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिखाएगा ना, ये एक्स ए का क्या करेगा ना, रिट्रेसमेंट दिखाएगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे x हम हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन का कोई लेबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है लेबल, ये 1.27 लेबल आएगा, ये x a का रिट्रेसमेंट है। तो आप जब सिर्फ x a b c d पैटर्न के लेबल्स को यूज़ करो तो डायरेक्टली जहाँ पे 1.27 का लेबल आ रहा ना वहाँ पे उसको छोड़ दो, और वहीं से मार्केट रिवर्स करेगा जहाँ पे 1.27 का लेबल आएगा। और जहाँ पे 1.27 का लेबल आएगा, डबल कन्फर्मेशन के लिए क्या करो, ए बी में एक्सटेंशन लगा दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने 1.27 पे रखा ना, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए बी में एक्सटेंशन लगाता हूँ, ठीक है। और ए बी में एक्सटेंशन लगाने के बाद चेक करेंगे कि एग्जैक्टली 1.27 के पास यहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी मैं क्या करा, ए से बी तक ले गया और वापस ड्रैग करके इसको मैं नीचे की तरफ लाया। अभी यहाँ पे देखो 1.618 का लेवल दिख रहा है आपको, 1.27 का लेवल इधर ही है, लेकिन इस पर अपन को ट्रेड में एंट्री नहीं करना, हम लोगों को 1.618 पे करना है। और यहाँ पे क्या, एक्स ए के रिट्रेसमेंट के हिसाब से 1.27 है, और दोनों लेवल यहाँ पे मैच कर गया, तो यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे हमारा बनेगा पी आर जेड जोन। और इसी पी आर जेड जोन को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो यहाँ पे ये जोन बना, यहाँ पे हम लोग जोन मार्क करेंगे, और इस जोन को क्या बोलेंगे, इस जोन को हम लोग बोलेंगे
PRZ, और PRZ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, और ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है। और PRZ जोन के अंडर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जो कि शूटिंग स्टार बना है, और शूटिंग स्टार यहाँ पे परफेक्ट काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहला तो मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा ये हमारा रेजिस्टेंस के पास बन रहा, शूटिंग स्टार के बाद हम लोगों को एक रेड कलर का कंफर्मेशन मिला, मार्केट रिटेस्ट किया और मार्केट फॉल किया। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो हम लोगों ने पैटर्न्स को लगा लिए, हमारे पैटर्न सक्सेसफुली लग गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है। एंट्री पॉइंट पैटर्न ही आपको बताएगा, एंट्री कहाँ पे करना है, डी पे करना है। डी किधर दिख रहा है आपको, डी यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग डी में एंट्री करेंगे। और किस साइड का करेंगे, नीचे की साइड का करेंगे, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि पीआरजेड का मतलब है रिवर्सल, रिवर्स मतलब नीचे करेगा क्योंकि पहले मार्केट ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगा दो। अब देखो यहाँ पे टारगेट है, तो तीनों टारगेट जो है आप उसको मार्क कर लो, पहला टारगेट है पॉइंट बी, दूसरा टारगेट है पॉइंट सी, तीसरा टारगेट है पॉइंट ए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों टारगेट को मार्क करते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका क्या है, सबसे पहला टारगेट आपका पॉइंट बी है, हमने इसको मार्क किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टारगेट को मार्क करेंगे, जो हमारा सेकंड टारगेट है उसको हम लोग मार्क करते हैं। ये हमारा सेकंड टारगेट, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, सेकंड टारगेट है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट क्या है, पॉइंट ए है, हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड टारगेट को मार्क करेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या किया, थर्ड टारगेट को मार्क किया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड टारगेट। करेक्ट, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तीनों टारगेट को सक्सेसफुली मार्क कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक, तो अभी जैसे पीआरजेड जोन के पास आपको कंफर्मेशन मिलेगा एक कैंडलस्टिक का, बेयरिश कैंडल का, वहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री करोगे। और देखो यहाँ से फिर आपका ये फर्स्ट टारगेट मार्केट ने हिट किया, मार्केट यहाँ से फॉल किया, आपका सेकंड टारगेट हिट किया, और यहाँ से मार्केट अगेन फॉल किया, और यहाँ से मार्केट आपने क्या किया, आपको तीनों टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया है। अब देखो ये हमारा है प्रॉपर सेटअप, कोई आँख बंद करके बनाया हुआ नहीं है, 101% प्रूवन है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब कभी भी ये बनेगा तो आपको पूरा टारगेट ही मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट देगा जब आप इसको यूज़ करना सीख जाओगे तो। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से फॉल किया, नीचे की तरफ आया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट हिट किया, सारा टारगेट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर तरीके से हिट किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसी तरीके से पैटर्न्स को लगाओगे, ये हमारा सिंपल सा रूल है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी इसको एग्जैक्टली किस तरीके से लगाना होता है। आप चार्ट पे इसको लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पैटर्न था, ये हमारा था बटरफ्लाई पैटर्न। आपको बस यहाँ पे समझने वाली एक ही चीज़ थी, एक्सटेंशन। अब यहाँ पे जो रूल्स है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं मान सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया पीडीएफ बनाया, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आज मैं इसको कंप्लीट करके एनी हाउ जिनको भी चाहिए उनको मैं दे दूंगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1.27 1.61 लिखा, तो 1.27 XA का रिट्रेसमेंट है, 1.618 AB का एक्सटेंशन है, और ये दोनों लेवल एक जगह मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, न्यू वाले पीडीएफ में मैं क्लियर लिख दूंगा कि अगर आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो आपका 1.618 होना चाहिए AB का, अगर आप रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हो तो XA का 1.27 होना चाहिए, और दोनों लेवल एक जगह मैच करना चाहिए, और जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वो हमारा एज इट इज रहेगा, उसमें हमारे कोई भी चेंजेस नहीं है, बाकी जो हमारे रूल्स है वो भी हमारे रूल्स परफेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न को लगाऊंगा, लगाना है इसको। आप लोग क्या करोगे, जब चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, 10-20 चार्ट पे लगाओगे, तो फिर आप लोगों को भी समझ में आया कि हाँ इसको एग्जैक्टली किस तरीके से ड्रॉ करना है और कैसे हम लोगों को इस पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट, हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है अभी तक, तो प्लीज़ अभी क्लियर कर लो, क्योंकि कल हमारा लास्ट लेक्चर है, और कल के बाद फिर अगर आप न्यू बैच में अगर आपने ज्वाइन करा, और फिर अगर आप एडवांस लेवल के डाउट पूछोगे स्टार्टिंग में कि सर फिबोनाची बता दो, सर हार्मोनिक बता दो, तो फिर वहाँ पे मैं क्लियर नहीं करूँगा। तो अब कुछ लोगों को हर्ट कर जाती है ये चीज़, मैं अभी आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, एक घंटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने डाउट्स अभी क्लियर कर लो, अभी समझा रहा हूँ, अभी क्लियर करो। न्यू बैच स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को ये फेस करना पड़ता है कि अब वहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, कैंडल्स, चार्ट, और वहाँ पे आप डाउट पूछते हो हार्मोनिक से रिलेटेड, फिबोनाची से रिलेटेड। अब मैं उसको बताना ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं उसको बताता हूँ, बट वहाँ पे बाकी लोगों का फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो न्यू बैच में फिर वो सब डाउट मैं क्लियर नहीं करूँगा, अभी क्लियर कर रहा हूँ, और अभी जो डाउट्स है आप प्लीज़ पूछ लो हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड। सर वन मिनट प्लीज। सर मैं कह रहा था, मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, जो पिछले जितने भी लेक्चर्स आपके होंगे
वो मैं कैसे देख सकता हूँ? जब मैंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया, आपकी जो भी क्लास होगी तो मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ? ठीक है, ये मेरा चैनल का नेम है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 11 का, ठीक, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बैच 11 के। ये हुआ रिकॉर्डिंग का बात, आप यूट्यूब पे देखो रिकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको लाइव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइव देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है सर? कौन से नंबर में सर? चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया। हाँ, ओके सर, ठीक है। न्यू बैच जैसे स्टार्ट होगा आपको, हाँ जैसे आप, यस, तो जैसे हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, उसमें जो जितने भी शुरुआत से जो क्लास हुई है स्टार्टिंग में, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना? सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक बार आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो, आपको वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, एक डाउट था, बताइए। हार्मोनिक तो सर अभी तो आपने बताया, ये अभी तक सर इंक्लूडिंग जितना भी बटरफ्लाई सारा ये तो सर क्लियर है, बट एक सर वो था मेरे को पीछे, मैं देख रहा था सर ये दो चार्ट, जैसे सर इंडेक्स चार्ट और स्ट्राइक प्राइस चार्ट, ये दोनों में सर बेसिक डिफरेंस क्या है? हम लोग नॉर्मली कौन सा चार्ट सर देखते हैं? ट्रेडिंग व्यू जो देखते हैं बैंक निफ्टी का, वो क्या रहता है सर उसमें? इंडेक्स चार्ट का थोड़ा सा हमको सर ये क्लियर कीजिए, और स्ट्राइक प्राइस चार्ट, या दोनों एक ही है या अलग अलग है? हम लोगों को चार्ट हमेशा इंडेक्स का देखना है, ना कि कोई भी हम लोगों को ऑप्शंस का चार्ट देखना है, क्योंकि ऑप्शंस के चार्ट को कौन मूव करता है? बैंक निफ्टी करता है। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, हमारा ऑप्शंस का चार्ट ऊपर जाएगा। ऑप्शन का चार्ट कभी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जाता है, ठीक। तो हम लोगों को चार्ट देखना है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का। निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, ना कि निफ्टी के किसी एक रैंडम स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को देखेंगे कि क्या वहाँ पे चल रहा है, वो अपने को नहीं देखना। और बैंक निफ्टी को मूव करता है बैंक्स। अब बैंक्स कौन कौन से हैं? HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, ये सब बैंक्स को आपको देखना है कि अब जो बैंक्स अच्छे चल रहे हैं, मान लो आज देखोगे तो SBI को छोड़कर जितने भी बैंक्स हैं सब डाउन थे। SBI ही सिर्फ अप था 2.5-3% के आसपास, बाकी सारे बैंक्स डाउन थे, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे की तरफ गया। ICICI और HDFC ये दोनों बैंक मिलके HDFC बैंक को 50% मूव करता है, ठीक। तो अगर ये दोनों बैंक साथ हैं, इसके साथ अगर कोई एक छोटा सा भी बैंक मिल जाएगा, एक्सिस हो, कोटक हो, SBI हो, तो उसी डायरेक्शन में फिर बैंक निफ्टी जाएगा, ठीक। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आप बैंक्स को भी ट्रैक करो। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले बैंक्स के भी चार्ट को एनालाइज करता हूँ, ठीक, कि बैंक्स एग्जैक्टली कैसा चल रहा है, कौन सा स्टॉक्स अभी। अब HDFC ICICI को तो 101% करो, उसके अलावा तो फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करना है। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि एक्जैक्टली डायरेक्शन क्या होना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर गोल्डन जोन मुझे मिला है, अब बैंक निफ्टी का मेरा डायरेक्शन है अपसाइड का, तो फिर मैं ICICI और HDFC बैंक में भी देखूंगा कि वहां पे अपसाइड का मोमेंटम है या नहीं है। अगर उधर अपसाइड का मोमेंटम नहीं है तो फिर बैंक निफ्टी में गोल्डन जोन फेल करेगा। मतलब इंडिविजुअल सर नहीं जाना, जब भी देखेंगे इंडेक्स का एक, हालांकि HDFC बढ़ा, आई बैंक बढ़ा, तो यूजुअली सर इंडेक्स बैंक निफ्टी भी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वही दो सर गवर्न करता है मेजरली, है ना। और अगर तो मेरा कहने का मतलब सर इंडेक्स कंप्लीट देखें, जिसमें सारे बैंक का एक होल चार्ट मेरे को मिल जाता है। इंडिविजुअली देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक वही होगा कि इंडेक्स चार्ट देखें, यही ना। इंडेक्स हमारे को क्या बताता है कि एग्जैक्टली हमारा बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है। निफ्टी हमें क्या बताता है कि एग्जैक्टली हमारा निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी क्या कर रही है, उसको देखकर हम बताते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है। अगर निफ्टी ऊपर मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट परफेक्ट चल रहा है, सेंसेक्स ऊपर मतलब हमारा स्टॉक मार्केट परफेक्ट चल रहा है। निफ्टी अगर 800 पॉइंट गिरा मतलब हमारा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक था आज, लेकिन कल ऊपर जाएगा तो बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, अभी चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये डिवाइडेड, अब 4-5 हज़ार कंपनी है, तो अब 4-5 हज़ार कंपनी को आप एक एक करके नहीं ट्रैक कर सकते कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो जो टॉप 50 कंपनी है उसको बनाकर हमें एक इंडेक्स मिला निफ्टी। अब इंडिया की टॉप जो 12 बैंक है उसको मिला के हमें मिला बैंक निफ्टी। अब तो बैंक निफ्टी हमें बताया कि एग्जैक्टली हमारे बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी खास स्ट्राइक प्राइस को नहीं देखना, उससे कंफर्म नहीं हो पाएगा, नहीं, उस... जो होल देखना है, आपको होल देखना है इंडेक्स के चार्ट को, ठीक है। और इंडेक्स के चार्ट को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके साथ साथ HDFC, ICICI और 2-3 बैंक को देखो। ICICI और HDFC ये दोनों तो कुछ देखो या ना देखो, ये दोनों देखो, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है और ICICI बैंक नीचे की तरफ जा रहा है तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, नोटिस करना आप। अगर HDFC बैंक ऊपर जा रहा, ICICI बैंक ऊपर जा रहा, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा। अगर फॉर एन एग्जाम्पल ICICI नीचे जा रहा है, HDFC ऊपर जा रहा, तो बैंक निफ्टी हमारा साइडवेज हो जाएगा। ये चीज आप नोटिस करना, बैंक निफ्टी में आपको पता चलेगा। इसको थोड़ा डीपली जब एनालाइज करोगे ना फिर क्लियर होगा आप लोगों को। मैं देखूंगा सर, श्योर, दोनों। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, मोस्ट वेलकम। और कोई डाउट किने का? बताइए।
सर आपने जो आज ये मतलब अभी जो नई वीडियो अपलोड की आपने उसके अंदर एक नया टॉपिक लाया सर, कप पेन जो अभी आपने बताया वो, तो इससे पहले आपने किसी भी क्लास में नहीं बताया था, आने वाले क्लास में आप उसके बारे में डिटेल में कुछ बताएंगे? वो वीडियो आज मैंने डाला भी नहीं है, वो वीडियो अप्रोक्स एक साल पहले का डाला हुआ है। आज बैंक निफ्टी में सेम वैसा ही मुझे व्यू दिखाना है, इसलिए मैंने वो वीडियो भेज दिया कि इस वीडियो को देख लो और बैंक निफ्टी के आज चार्ट को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। सर आपके चैनल पे तो मैंने बहुत वीडियो देखी लेकिन वो नहीं मिला सर मेरे, इसलिए तो मैंने भेज दिया ताकि आप देख लो। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्या डाउट है किनका? सर मेरा डाउट है कि हेलो बोलिए ना, जैसे इंडेक्स है वो क्या होता है, जैसे साइडवेज रहता है तो जो भी प्रीमियम होता है डाउन होने लगता है, तो ये बटरफ्लाई फ्लाई पैटर्न है, तो जो जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिले वो क्या टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट? 15 मिनट पे लगाइए, परफेक्ट होगा, 5 मिनट पे भी चलेगा, 15 मिनट पे भी चलेगा। यस सर ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट पे ही पैटर्न्स को लगाओ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप 4 आवर डेली आवरली पे लगा सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यस सर, यस सर ओके। नेक्स्ट क्या डाउट है? जी सर, सर ये जो भी हार्मोनिक पैटर्न है जब हम सीडी का जो रिट्रेसमेंट देखते हैं वहाँ पे आपने कहा था कि फॉल्स ब्रेकआउट के टाइम में अवॉइड पैराबोलिक मूवमेंट प्राइस, तो अगर सीडी एक पैराबोलिक मूव होके हमारे पीआरजेड जोन में जाता है तो वैसे जगह हमें एंट्रेंस एंट्री ले करनी है? नहीं करनी है। अभी आपने जो यूरो यूएसडी वाला दिखाया था वो भी सीडी एक पैराबोलिक मूव है? नहीं, मैं बताता हूँ, म्यूट करो आप, आपने समझा नहीं। देखो पीआरजेड जोन के अंदर जाने के बाद हमें कोई भी पैराबॉलिक मूव नहीं मिला है, इससे पहले तो पैराबॉलिक मूव मिला है, ये तो पैराबॉलिक मूव है, पैराबॉलिक मूव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पीआरजेड जोन के अंदर मार्केट इंटर किया तो यहाँ पे हमें फिर बेयरी साइन दिखा जो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, उसके बाद रेड कन्फर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो गया इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे गया। अभी यहाँ पे इसका थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल चेंज करके अब मैं बोलता हूँ कि ये हमारा पीआरजेड जो है ना यहाँ पे बना, कहाँ पे बना, हमारा यहाँ पे पीआरजेड जोन बना, ठीक है। अब अगर पीआरजेड जोन के अंदर ऐसा कैंडलस्टिक दिखेगा देन हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसे हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग पैराबॉलिक कैंडल है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा नीचे की साइड का। लेकिन हम लोगों को मैंने क्या बोला कि पीआरजेड जोन में हमें रिवर्सल साइन दिखना चाहिए। अब इस कैंडल को देखोगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें कोई रिवर्सल है, कोई स्ट्रॉन्ग मारोबू जो कैंडल बना हुआ तो ये ऊपर की साइड ही मार्केट को लेकर जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक होता है, ठीक। लेकिन जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है वो हमारा क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक होता है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास बना तो ये मार्केट को रिवर्स कर देगा तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो पीआरजेड जोन में हमें लॉन्ग रेंज कैंडलस्टिक पे फोकस करना है, अगर पीआरजेड जोन में लॉन्ग रेंज कैंडलस्टिक बन गया तो हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स वहाँ पे फेल कर जाएगा, मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे देखोगे तो रिवर्सल हमें दिखा शूटिंग स्टार, पीआरजेड जोन में भी आपको यहाँ पे रिवर्सल देखना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है, पास्ट प्राइस के हिसाब से। लॉन्ग रेंज कैंडलस्टिक बना है स्ट्रॉन्ग, अगर रेजिस्टेंस पे बना वहाँ पे के स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया मारो बोझो टाइप का तो एंट्री मत करो, अगर सपोर्ट पे बना वहाँ पे के स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया नीचे की साइड का तो वहाँ पे एंट्री मत करो, नहीं रिवर्स होगा मार्केट नीचे ही चला जाएगा कंटिन्यूसली, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आपको? जी सर ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट है सर? एक और डाउट है, जो कोई स्टॉक जैसे बाय करना चाहते हैं जो कि काफी तेजी से ऊपर ऊपर जा रहा है और बीच में एंट्री करना हुआ तो उसे कैसे लेवल उसको डिसाइड करें कि यहाँ पर मेरा लेवल बाय बनता है? जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एनएचपीसी है अभी स्टॉक है जो कि अभी 4-5 दिन पहले काफी ऊपर से जा रहा था तेजी, अभी वहाँ पर रिट्रेसमेंट आने लगा, एनएचपीसी के चार्ट खोलिए सर एक बार, या इंडियन ओवरसीज बैंक का। हाँ बताइए, इसमें बताइए सर, अभी ये जो है यहाँ पर अभी तो रेड रेड कैंडल बन रहा है सर, इसको क्या माना, जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट का वेट करें या इसमें एंटर लेना नहीं चाहिए? यदि पहले आप ये देखो ये एक कैसा स्टॉक है, स्टिल मतलब पूरा कब से है ये अप्रोक्स जो है 2020 से देखोगे तो पिछले 3-4 साल से ये पूरा इसमें है, क्या कहते हैं, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, ठीक है। एक बार भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, पहले खुला तो नीचे आया, फिर यहाँ से इसका ट्रेंड बदल गया, यहाँ से इसका ट्रेंड बदल गया मार्च 2020 से, ठीक है, मार्च अप्रैल अप्रोक्स यहाँ से इसका ट्रेंड जो बदला वो अभी तक स्टिल अप ट्रेंड में है,
तो मतलब ये बुलिश ही है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आपको एंट्री प्लान करना है, तो देखो मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि अभी ऐसे स्टॉक्स अगर आपको, देखो इसका फंडामेंटल क्या है आई डोंट नो, ठीक। अगर ये फंडामेंटली ये स्ट्रांग है तभी ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मान लो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें एंट्री के हिसाब से, तो हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना चाहिए? देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा इम्पल्स आया, ठीक, और इस यस इम्पल्स का ये एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक। अब जैसे मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करे ना, यहाँ पे देखो 50 के बाद 60% का भी लेवल आता है, वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, उसको मैं ऑन करता हूँ। 61 का, 38 का काम नहीं, इसको ऑफ कर देता हूँ, 78 को ऑफ कर देता हूँ, ठीक, और उसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ पे गोल्डन जोन आया ना, यस सर। तो ऐसे जब भी वे स्टॉक्स देखो ना जो स्ट्रांग बुलिश में है वीकली टाइम फ्रेम पे, और किसी एक इम्पल्स का छोटा सा भी रिट्रेसमेंट आया और गोल्डन जोन के अंदर एंटर करा, यहाँ पे बाई कर लो। स्टॉक का जो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया होता है ये गोल्डन जोन होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वहां पे बाई करो, करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक है, अब मान लो ये बहुत स्ट्रांग बुलिश है, तो आप यहाँ पे 38 के लेवल पे भी बाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको गोल्डन जोन का वेट ही करना है, कभी कभी मार्केट आपके 38 के लेवल से भी ऊपर चला जाएगा। अभी देखो ये एक स्टॉक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे यार ये तो इतना हाई पे है, 101 चल रहा है, इसको कैसे बाई करें? ये ऐसा ही सोचते रहोगे और ये धीरे 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 जो है ना 150 पे चला जाएगा आपकी आंखों के सामने से, और आप इसको बाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इसके बहुत देखा है कि यहाँ से आया फिर नीचे मान लेते 50। अभी ये आप देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब ये स्टॉक आपका यहाँ पे रहा होगा ना 65 पे, तो आपको लग रहा है यार ये तो इतना हाई पे है, इसको कैसे बाई करूँ, आप छोड़ दोगे। फिर वो स्लोली स्लोली आपके नज़रों से ये चला जाएगा कभी 70 पे, बोले यार ये तो पहले देखा था 65 पे था, अब 70 पे आ गया, अभी थोड़ा नीचे आता 65 पे बाई कर लूँगा, और वो 65 पे कभी नहीं आएगा, वो फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा 80 पे। इसे सोचते सोचते स्टॉक छूट जाता है। तो मेरा एक ही फंडा है, मेरे को बस समझ आना चाहिए फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग पीरियड में प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पीरियड वो मेरे को कंगाल कर दे, वैसे स्टॉक में तो पैसा ही नहीं लगाना। स्टॉक अगर सही है तो मेरे को जहाँ पे दिख रहा मार्केट प्राइस पे बाई कर दो और उसको छोड़ दो। मेरे अंदर एक आदत थी कि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना स्टॉक का, मैंने क्या करा अपना ब्रोकर चेंज करा, जिरोधा में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, एंजल वन में क्या होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, उसमें पैसा लगा दो, अकाउंट मतलब ऐप ही डिलीट, देखना ही नहीं है। कितने दिन में इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट ही नहीं डाल रहा था एंजल वन का, उस दिन देखा फिर देखा 51% का रिटर्न था, लास्ट टाइम जब भेजा था तो 30% का रिटर्न था, उस दिन खोला तो 51% का रिटर्न था, फिर मैंने अभी फिर उसको अभी है लेकिन फिर डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग टर्म का, उसको छोड़ दूंगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो वैसे अभी अगर मुझको इसको बाई करना होगा, थोड़ा सा भी अगर नीचे आएगा, अभी एक और चीज़ सिखाता हूँ, मान लो इस कैंडल में देखोगे तो एक इम्बैलेंस एरिया क्रिएट हुआ है, ओके, ये जो हमारा हाई है ना और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस एरिया, जो एक कैंडल का हाई और दूसरे कैंडल के लो के बीच में एरिया बनता है इसको इम्बैलेंस। जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करे तब आप इसको बाई कर सकते हो। स्टॉक्स में बाई करने का ये एक छोटा सा सही तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ओके। और ये जहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस एरिया होता है ना इसको मार्केट फील करेगा। अभी देखना ये स्टॉक्स जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जगह तक आएगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर अगेन घूम जाएगा, या तो इस जोन से ही घूम जाए कहीं से ना कहीं से, लेकिन मैक्सिमम ये इस लेवल को टच करेगा फिर यहाँ से घूम जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रहा, यस सर, किसी को नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन मेरा? जिनको नहीं दिख रहा रीस्टार्ट करो दोबारा, रीस्टार्ट करके दोबारा चालू कर लो, हो जाएगा। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा लेफ्ट करो रिज्वाइन करो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे इम्बैलेंस समझ लेना, ये रेड कैंडल है, इसके बाद एक कैंडल बना, यहाँ पे इतनी बाइंग बायर हायर थे कि यहाँ पे हमारा बैलेंस ही नहीं हो पाया, यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया क्रिएट हो गया, सेलर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, मार्केट ऊपर गया, अब इसके नीचे मार्केट सेलर को बायर ने नीचे आने ही नहीं दिया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अभी मार्केट क्या होगा, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा इस जगह पे, और बैलेंस करने के बाद फिर अगेन यहाँ से घूमेगा ऊपर की तरफ, ठीक। अभी देखो प्लीज म्यूट कर लो बाकी लोग, ठीक, जिनका क्वेश्चन है ना सिर्फ वही अनम्यूट करके रखेंगे, बाकी सब म्यूट करेंगे। अभी देखो ये इतना स्ट्रांग है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक अच्छा ही होगा फंडामेंटल, क्या करता है पता नहीं, एक बार फंडामेंटली रीड कर लेना टेक्निकल के हिसाब से। इस लेवल पे आप इसको बाइंग मतलब 94-95 अगर आए ना तो आप इसको बाई कर सकते हो, यस सर, ठीक है, ओके। और कोई डाउट है आपका अभी? नो सर, थैंक यू सर, ओके। नेक्स्ट किंग का क्या डाउट है? नेक्स्ट किंग का कोई डाउट सर? तन्मय बोल रहा हूं, बताइए ना। बोल रहे हैं सर, एनएचपीसी सर इतना और तेजी से ऊपर इसलिए गया था क्योंकि वो हमारा जो होम मिनिस्टर है ना उन्होंने बताया कि
इंडियन जो म्यांमार बॉर्डर है ना पूरा फेंसिंग कर दिया है, ठीक है, तो इसीलिए इतना ऊपर चला गया है। लेकिन हर एक इंपल्स का रिट्रीटमेंट होता है, हमको वेट करना होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, ये पूरा जिनके पास भी बड़ा पैसा है ना, स्टॉक को पूरा पंप कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, फिर रिटेलर ऊपर फंस जा रहा है। मैं खुद मैं स्टॉक में फंस गया, आज 10% पे निकल गया, ठीक है। अभी लोग आरबीएनएल में फंसे हैं, आरबीएनएल का रिजल्ट खराब आया, आज आईएलएफसी का भी सेम है, ठीक है। अभी मैं ग्रुप में भी दे रहा हूँ, आज ही अभी अभी कैबिनेट में अप्रूव किया है, ठीक है, 6 layer प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, अभी अभी मेरे को मैसेज आया, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो हमको एक इम्पल्स होता है, आप आईएलएफसी में भी देखिए एक इम्पल्स आया है, उसका रिट्रेसमेंट होगा, उसको वेट करना है। अगर सबर नहीं है तो 50% क्वांटिटी ऊपर बाई कर लो, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर 50% क्वांटिटी ऐड कर लो, नहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि छूट जाएगा, फॉर्म में रहोगे, ऊपर फंस जाओगे, फिर लॉस हो गया, यही होगा फिर। करेक्ट है, समझ आया कि अभी आपको जिनका ये डाउट था। यस सर, यस सर, क्लियर। अरे कौन से की बजाय मेरे को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड कर लूंगा आपको, टेंशन मत लो, आप लिंक दे दूंगा भाई। सर मेरे को कर लीजिएगा प्लीज, मैंने नंबर दिया ना, जिनको भी है ना मैसेज कर दो आप लोग। ठीक है जिनको नहीं दिख रहे उनको नेटवर्क नहीं सही है, कल मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ करेक्ट है, ठीक है गाइस। और कोई डाउट है अभी आप लोगों का हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड? प्लीज, हार्मोनिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे को मेन सिखाने का इंटेंशन वो है, वो आपको लोगों को आना चाहिए, प्लीज बताओ। क्लियर हो गया सर, क्लियर है सर हार्मोनिक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल लास्ट जैसे शार्ट पैटर्न है, उसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट एक दिन आप रखो, जिसका भी जो एग्जांपल है उसको लेके थोड़ा अगर डिस्कशन होगा तो बेटर रहेगा। समझा नहीं, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए ना। कल शार्ट पैटर्न लास्ट है, उसके बाद एक दिन और रखो, मतलब कल हो गया फ्राइडे, अब सैटरडे लास्ट रखो एक दिन, जिसका जो एग्जांपल्स है, मतलब सारे हार्मोनिक पैटर्न का किसी का भी कोई एग्जांपल्स है, सब लोग ग्रुप में जैसे भेजते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। आप अगर गाइड कर दो कि ये सही है ये गलत है, सब लोग एग्जाम्पल लेके आएंगे और वी कैन डिस्कस। बिल्कुल, और हम लोग क्या करेंगे ना, सैटरडे के दिन थोड़ा लंबा लेक्चर करेंगे और जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऐसे तो 8:30 लेता हूँ ना, सैटरडे को कोशिश करूँगा 8 बजे स्टार्ट करूँ, और उस दिन जितने भी आप लोगों ने किया प्रैक्टिस, मतलब जितने भी आप लोगों ने हार्मोनिक पैटर्न लगाए अभी तक बताना, और कितने लोगों ने गोल्डन जोन 88.618 के लेवल पे ट्रेड किया, और उनकी क्या फीडबैक रहा है कि एग्जैक्टली वो प्रॉफिट में है लॉस में है, जो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था, जिन्होंने इसको फॉलो किया वो बताना कल के सैटरडे के दिन, ठीक है। तो सैटरडे हमारा लास्ट होगा, कल हम लोग सारे क्लियर करेंगे, सैटरडे के दिन हम लोग सारी चीजें देख लेंगे, हार्मोनिक से रिलेटेड हो या कोई भी डाउट हो क्लियर करेंगे सैटरडे को, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर, ओके सर, ठीक है। अभी और कोई डाउट है? सर थोड़ा आज के बैंक निफ्टी का 4 hours के चार्ट में मैंने अभी आपको एक बैड पैटर्न बताया था, उसमें एबी वाला रिट्रेसमेंट थोड़ा बढ़ रहा है, लाइक 0.38 से 0.5 तक चाहिए था, वो 0.55 हो रहा है, क्या ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैलिड होगा क्या? किस इंपल्स की बात कर रहे हो? 4 hours में, हाँ ये 4 hours का है, इस इंपल्स की बात कर रहे हो? जी सर, ये एक और थोड़ा लेफ्ट में यही है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है सर वो वाला इंपल्स। अब WhatsApp पे तो इतने सारे चैट हैं यार, अभी तो दिख नहीं रहे मुझे, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको WhatsApp पे देखकर एक बार टैग कर दो वापस से, मैं देखकर आपको बताऊंगा, ओके जी सर, ठीक है, ओके। ये शायद 1 hour पे मेरे को बैड लग रहा है, 1 hour पे शायद बैड होगा, कि ग्रुप में किसी ने भेजा था बैड बना के, आई थिंक इसमें मतलब वो आएगा तो उधर से 88 से रिवर्स होगा। अक्षय ने ही भेजा था, उम्मीद भी उन्हीं से थी। सर बैट ही बन रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना के दे। आपने भेजा था क्या? भेजा नहीं। हाँ सर, हाँ सर, बैट बन रहा है सर, मैंने आपको पर्सनली भेजा था, अभी थोड़ा लेवल ऊपर है सर। चार्ट में 24th January वाली कैंडल, हाँ एग्जैक्टली बैट बन रहा है सर, लेकिन लेवल अभी थोड़ा ऊपर है, मार्केट उसको टच करना चाहिए या फिर पीआर जोन में आना चाहिए, मैंने आपको पर्सनली भेजा था। हाँ तो एक्स के नीचे ऐसा लग देखेंगे ना उसको फिर। हाँ तो एक्स के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा फिर रिवर्स करेगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से रिवर्स कर जाएगा, करेगा। हाँ सर, मैंने आपको कहा था अभी कि ये एक बार वॉच करना है, क्योंकि अभी तक पीआर जोन में आए नहीं लोग, अभी देखते हैं, अगर वहीं से घूम गया तो कोई ये
मतलब ही नहीं इस पैटर्न का। करेक्ट है सर, इसमें एबी वाला जो है रिट्रेसमेंट 0.55 हो रहा था, 0.56 या 55, ऐसा वाला ऊपर नीचे चलेगा क्या? बैट पैटर्न में तो बैट पैटर्न है ना, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हुआ ना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, कभी कभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करता है फिर रिवर्स करता है, तो वो मैनेजेबल है। ओके जी सर। ठीक है, और कोई डाउट है क्या अभी? नहीं है सर। हाँ बोलिए ना। मैं अभी जो है फिबोनाची लगा के देख रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, तो कई इंपल्स में क्या है कि 78 से ही रिट्रेस हो रही है, 88 तक नहीं जा रही हो। ठीक है फिर तो सर वही कारण जानना था, 88 से पहले 78 से रिट्रेस हो जाए तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करना है ना। अब अगर 78 के पास सपोर्ट होगा तो मार्केट उधर ही से रिवर्स कर जाएगा, ये तो चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर 78 तक आ गया तो वो 88 को टच करके ही भागेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप नहीं बोलिए कि वो मैक्सिमम टाइम 78 से जाएगा, मैक्सिमम टाइम वो 88 को टच करके रिवर्स होगा, मिनिमम टाइम वो 78 से ही रिवर्स होगा। हम लोगों को फॉलो उस रास्ते पे जाना जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, ना कि मिनिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है। ओके तो होगा कभी कभी, ऐसे कोई उसमें बड़ी चीज़ नहीं है। 78 से रिवर्स हो गया, ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं है, दूसरा बार आपको मौका देगा तब ट्रेड कर लीजिए। ओके ठीक है। हाँ ये चीज ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको और